वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस फॉर लाइफ के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि हर संडे हम साइंस का एक टेस्ट लेते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस ही हम उस टेस्ट के अंदर लेते हैं। और फिर दो दिन के बाद मतलब रविवार को जो टेस्ट होता है उसका हर मंगलवार को उसके एक रिजल्ट की एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक उस एग्ज़ाम के अंदर पार्ट नहीं लिया तो आप नेक्स्ट संडे उस एग्ज़ाम के अंदर पार्ट ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। पिछली संडे को जो हमने टेस्ट लिया था वो अम्ल तथा क्षार का था, एसिड और बेस का था। तो उसके हमने 15 क्वेश्चन लिए थे, उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि उदासीन जल की पीएच कितनी होती है। तो उदासीन जल की पीएच, कोई भी पहले तो बात करता है कि पीएच क्या होती है। तो देखिए पीएच क्या होती है, पीएच होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन की मात्रा। कि जो पी का मतलब पुषांश मतलब पावर होती है और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन होती है। मतलब कोई भी लिक्विड है हमारे पास उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, या सिंपल सी बात शब्दों में कहे तो कोई भी विलयन को अम्ल तथा क्षार बताने के लिए उसके अंदर एक क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है, उस नंबर को पीएच कहते हैं, जो कि बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है। अब कौन अम्ल होता है कौन क्षार होता है, तो देखो ये होता है 0 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर 0 से 6.9 मतलब 7 से ठीक पहले तक के जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, 7.1 से आगे तक के जो होते हैं वो क्षार होते हैं। अब पीछे कौन है क्या 7, तो 7 वाला कौन सा होता है, उदासीन। और एकदम इजी वे में याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि किसी भी लिक्विड के आगे अगर हम उदासीन लगा देते हैं तो उदासीन का मतलब हमेशा 7 होता है। चाहे उदासीन जल बोल दे चाहे उदासीन शरबत बोल दे, उदासीन का मतलब हमेशा क्या होता है, 7 होता है। उदासीन जल की पीएच हो जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। अब वापस अम्ल तथा क्षार का सबसे प्राथमिक गुण जो होता है, प्राइमरी जो उसका सिम्टम्स है, प्रॉपर्टी है, वो होती है कलर चेंज। कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो हमेशा लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब लिटमस पत्र क्या होते हैं, लिटमस पत्र एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है जो कि क्या करता है, किसी भी लिक्विड के अम्ल या क्षार होने को बताता है। तो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक याद रखनी हमें, तो देखो अम्ल, अम्ल के पीछे आ रहा है ल और लाल, अम्ल लाल। मतलब जो अम्ल होता है वो क्या कर देते हैं, हमेशा लाल रंग देते हैं, या फिर इंग्लिश के अंदर देखें तो एसिड पीछे डी आ रहा है और रेड पीछे डी आ रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इनके जो लास्ट वाला जो शब्द है वो हमेशा सेम रहता है, ल ल ड और ड मतलब डी और डी। तो रेड एसिड या लाल और अम्ल, तो अम्ल हमेशा लाल रंग उत्पन्न करता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा, अम्ल। अगर इसका उल्टा कर दे कि लाल को नीला कौन करेगा तो वो कौन रह गया भाई, क्षार रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षारीय विलयन की पीएच कितनी होती है। तो देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 0 से 6.9 तक अम्ल, 7 वाला उदासीन और 7 से अधिक वाले क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया अम्लराज किसे कहते हैं। तो देखो एक्वारेजिया या अम्लराज क्या होते हैं, एक्वारेजिया एक ऐसा विलयन होता है जो दो प्रबल अम्लों को मिलाकर बना जाता है। ये दो प्रबल अम्ल होते हैं HCl और HNO3। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इनको मिलाकर जो बनाया जाता है विलयन उसे अम्लराज कहते हैं या एक्वारेजिया कहते हैं। इसकी अनुपात भी पूछा जाता है कि अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:1। अब कौन 3 होगा और कौन 1 होगा, तो जो पहले से 3 है वो 1 होगा। जैसे HNO3 है वो 3 है, तो 1 की मात्रा में HCl होता है 3 की मात्रा में। तो 3 HCl और 1 HNO3 मिलकर बनाते हैं एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया का उपयोग पूछ ले तो जितने भी धातुएं होती है जो अभिक्रिया नहीं करती, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो इनको पिघलाने के लिए, साफ करने के लिए, उसके ऊपर वाली परत को हटाने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। मतलब कि जब आप सोनार के पास जाते हो अपने पुराने गहनों को चमकाने के लिए, तो उसके ऊपर जो लिक्विड डालता है वो लिक्विड होता है अम्लराज या एक्वारेजिया, और वो उसके ऊपर वाली परत को साफ कर देता है जिससे कि वो चमकने लग जाता है। मतलब कि आपने अपने पुराने जो ज्वेलरी उसको साफ नहीं करवाया बल्कि उसके ऊपर वाली परत को ही साफ करवा दिया है। मतलब वो परत भी उसके पास रह गई और साफ करने के भी उसने पैसे ले लिए। इसके अलावा दूसरी बात आती है अम्लराज। तो अम्लराज तो कहते हैं एक्वारेजिया को, इसके अलावा अम्लों का राजा आता है वो अलग होता है। मतलब अम्लराज अलग है और अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उदासीनीकरण का मतलब क्या है, वो उदास हो गया। अब उदास कौन होगा, जब प्लस एक और प्लस
मतलब प्लस एक और माइनस एक आपस में मिक्स करेंगे, प्लस दो माइनस दो को, मतलब जो दो बराबर मात्रा के, दो बराबर पावर के अपोजिट को आपस में मिक्स करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तभी तो उदास होगा। तो अम्ल और क्षार मतलब एसिड और बेस आपस में मिक्स होकर मिलकर क्या बनाते हैं, एक अभिक्रिया करते हैं जिसके अंदर अम्ल और क्षार दोनों ही एक दूसरे गुणों को, प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है लवण तथा जल। मतलब ना अम्ल बचेगा ना क्षार बचेगा, दोनों से बनेगा लवण और साथ में निकल जाएगा उनका पानी। अब लड़ेंगे दो बराबर वाले तो थक जाएंगे, उदास हो जाएंगे, उनका पानी छूट जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो वो पानी निकल गया, तो लवण तथा जल। फिर आता है सात नंबर, सातों क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आया था हमारा कि निम्न में से अम्ल नहीं है, इनमें से अम्ल कौन नहीं है। तो अरे भाई कैसे पता चलेगा कि अम्ल है या नहीं है, तो सिंपल सी परिभाषा आती है कि कोई भी यौगिक है, उन यौगिक के अंदर अगर बीच में से तोड़ने पर या यौगिक को तोड़ने पर अगर H बन रहा है, H प्लस बन रहा है, तो वो हमेशा अम्ल होगा। और अगर H नहीं बन रहा है, OH बन रहा है, तो वो क्या होगा, क्षार होगा। जैसे H2SO4 को ब्रेक डाउन करें तो HSO4, तो H आ रहा है आगे प्लस के अंदर, तो ये हो जाएगा अम्ल। HNO3 को करें तो H प्लस NO3 माइनस आ रहा है, तो H क्या हो गया, अम्ल हो गया। NaOH की बात करें तो Na और OH आ रहा है, मतलब इसके अंदर OH आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्षार। फिर HCOOH, इसकी अगर बात करें तो पीछे OH भी और आगे H भी, लेकिन जब इनको तोड़ा जाता है तो H प्लस COOH माइनस के फॉर्म में आता है, इसलिए ये भी क्या होता है, अम्ल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा NaOH, जो कि क्षार है, अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के इकट्ठे होने पर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है एक, कि जो दूध या दूध से संबंधित जितने भी सामान होते हैं उनके अंदर एक आता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो दूध से संबंधित कोई सामान भी होगा तो उसके अंदर भी हमेशा लैक्टिक अम्ल आएगा। जैसे कि अगर याद रखने की सिंपल सी बात है, एक टॉफ़ी आया करती थी पहले जिसका नाम था महालैक्टो, तो लैक्टो का मतलब क्या था, उसके अंदर ऐड भी आता था दूध से बनी टॉफ़ी। तो लैक्टो शब्द जो है वो लैक्टिक से ही बना हुआ है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, दूध का ही कोई प्रोडक्ट है। अब है या नहीं वो कंपनी वाले जाने, हमें बस ट्रिक उठानी है कि लैक्टो का मतलब लैक्टिक और लैक्टिक का मतलब दूध के अंदर पाया जाने वाला। जैसे दही के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, अगर आपको याद हो तो लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टो शब्द से ही लैक्टिक, लैक्टिक से ही बना है वो भी, बैसिलस जीवाणु को कहते हैं। तो वो भी क्या हो गया, दही है, दही किससे बनता है भाई, दूध से तो बनता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैक्टिक। इसके अलावा अगर हम बात करें टार्टरिक अम्ल की, तो टार्टरिक अम्ल बनता है इमली के अंदर पाया जाता है या फिर अंगूर के अंदर पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें तो मैलिक अम्ल एप्पल, सेब के अंदर पाया जाता है। फिर बात रही एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल जो है एक काफ़ी पुराना अम्ल है। एसिटिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, एक्चुअली में जो अचार के अंदर जो सिरका डाला जाता है, सिरका मतलब जो विनेगर डाला जाता है, खट्टापन डाला जाता है, उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, एसिटिक अम्ल रखा गया है। एसिटिक अम्ल का जो नाम है वो एसिटस से रखा गया, एसिटस का मतलब होता है खट्टापन, मतलब जिनके अंदर भी खट्टापन होगा वो हमेशा एसिटस होगा, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसके अलावा सभी फलों के अंदर और शराब के अंदर भी ये अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाने का नमक NaCl बना होता है, मतलब जो खाने का नमक है सफ़ेद जो साधारण नमक आता है वो किससे बना हुआ होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये बना होता है HCl और NaOH के फॉर्मूले से, मतलब जो HCl एसिड और NaOH बेस क्षार जो आपस में क्रिया करके जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, खाने का नमक NaCl होता है, जो कि प्रकृति के अंदर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं। अब प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार कौन है, या कैसे पता चलता है कि प्रबल है दुर्बल है, उनकी ताकत कितनी है, तो जब लेसन पूरा करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी कंपटीशन एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें भी LDC या जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम होते हैं जिनके अंदर जनरल साइंस आती है, उनका एकदम फेवरेट क्वेश्चन है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। नीले थोथे का एक दूसरा सामान्य नाम और है जिसे तूतिया कहते हैं। तो तूतिया या नीला थोथा जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो नीला थोथा बना हुआ होता है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से, तो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट या CuSO4। इसके अलावा बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक NaCl। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने के सोडे को, मतलब जो धावन सोडा होता है, सफाई करने वाला जो सोडा होता है उसको बोलते हैं धावन सोडे को, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। देन कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का सामान्य सा फॉर्मूला है CuCl2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीएच स्केल होता है, कि पीएच स्केल क्या होता है। तो पहले तो पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने एक स्केल बनाया,
ये नॉर्मल स्केल जैसा नहीं था कि जो लंबाई को मापने का काम करे, ये स्केल ऐसा था कि जो किसी भी विलियन के अंदर डालने पर उसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने पर वो बताता कि वो अम्ल या क्षार है। ठीक है, इसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर 0 से 6.9 तक अम्ल, 7 उदासीन और आगे 14 तक क्या होता है, क्षार होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कलर की पट्टी लगी हुई होती है। जैसे कि आपने काफ़ी टाइम पहले एक फेयर एंड लवली का एक ऐड आता था, जिसके अंदर फेयरनेस स्केल आता था, जो बताता था कि स्किन कलर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब तो वैसे वो ऐड बैन हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, कि सभी जानते हैं कि ब्लैक लाइव मैटर्स, तो उसको छोड़ते हैं। लेकिन आप आइडिया लगे होगा कि वो किस टाइप का स्केल होता है। तो वैसे ही आता है पीएच स्केल, जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है, और जहाँ पे कलर मैच होता है वहाँ की पीएच उतनी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 14 तक। देन आता है अम्ल तथा क्षार की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा किसने दी। तो देखो, अभी तक अम्ल तथा क्षार के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणा दी, जिसके अंदर से तीन मुख्य या फिर तीन अवधारणा दी चुकी है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बात करें तो ABCD से शुरू करते हैं। ए सबसे पहले आता था, सबसे पहले ए वाली अवधारणा मतलब आरेनियस, सबसे पुरानी कौन सी, ए मतलब आरेनियस। तो आरेनियस भाई साहब ने क्या बोला, सिंपल सी परिभाषा दी कि जिसके अंदर H+ है वो अम्ल है, और जिनके अंदर OH- है वो क्या है, क्षार है। तो ए से आरेनियस ने बोला कि H+ देने वाले अम्ल और OH- देने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। फिर ए के बाद होता है बी, ब्रॉन्स्टेन लॉरी। अब ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने क्या बोला कि अरे भाई आरेनियस भाई साहब ने ऐसा बोला है तो हम भी देते हैं। तो उसको आइडिया नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने एक आइडिया ले लिया कि H+ का दूसरा नाम होता है प्रोटॉन। तो उसने बोला कि जो H+ दे रहे वही तो अम्ल है, मैं भी ये चिपका देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। तो ब्रॉन्स्टेन ने भाई साहब ने बोला कि जो प्रोटॉन देते हैं मतलब ऑटोमेटिकली हो गए H+ देने वाले, प्रोटॉन देने वाले अम्ल होते हैं और प्रोटॉन लेने वाले क्षार होते हैं। मतलब जो आरेनियस ने जो बताया था वही ब्रॉन्स्टेन ने बताया, बस नाम चेंज करके। तो आरेनियस ने बताया H+ देने वाले अम्ल, ब्रॉन्स्टेन ने बताया प्रोटॉन देने वाले अम्ल। अब क्वेश्चन में देखा इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा किसने दी, तो एक वैज्ञानिक आया लुईस ने क्या क्वेश्चन किया कि CO2, SO2, SO3, NO2 इनके अंदर ना H है ना OH है, फिर भी ये अम्ल तथा क्षार की तरह होते हैं, तो कैसे पता चले कि अम्ल या क्षार है। तो लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा दी। लुईस सोच रहा था तो उसने अपने नाम का ई लिया, लुईस और ई से इलेक्ट्रॉन, तो उसने अपने अंदर में से ज्ञान निकाला ई का, तो ई से इलेक्ट्रॉन, ई से लुईस। ठीक है, तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसके आधार पर अम्ल क्षार बताते हैं। तो अम्ल तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब जो लेने वाला है वो तो अम्ल है, मतलब आने दे अम्ल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आने दे इलेक्ट्रॉन आने दे, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो गया। और जो जा रहा है तो छोड़ रहा है वो क्या हो गया, क्षार। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, क्षार। तो इलेक्ट्रॉन की अवधारणा किसने दी थी, लुईस ने, ब्रॉन्स्टेन ने दी थी प्रोटॉन की, आरेस ने दी थी H+ OH- की, और सोरेनसन भाई साहब हो गए जो पीएच स्केल की खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो चाहे चींटी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे कोई भी कीट पतंगा हो या कोई भी पादप हो, सभी के अंदर एक ही अम्ल पाया जाता है डंक मारने वालों में, वो होता है फॉर्मिक अम्ल। मतलब चींटी के डंक में क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फिर एसिटिक अम्ल के हमने ऊपर बात कर ली, सिरके, शराब या फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल की हमने बात कर ली, इमली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उधर स्टमक या पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब जो पेट होता है पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट के अंदर जो जठर होता है, जठर मतलब जो पेट है, उधर स्टमक है, इसके अंदर जो जठर रस होता है उसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि सबसे तीव्र अम्ल होता है, जिसकी पीएच सबसे कम होती है। ठीक है, HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो तेजाब आते हैं उनके अंदर भी HCl मिलाया होता है H2SO4 के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट के अंदर अम्ल कम बन रहा है तो आप उसको पी लें। ठीक है, पेट के अंदर बनने वाला अलग प्रकार का होता है, बाहर वाला अलग होता है, होते दोनों HCl ही है। ठीक है, तो HCl अम्ल, इसके अलावा H2SO4 की बात करें तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, या अम्लों का राजा बोलते हैं, या फिर औद्योगिक अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि सभी उद्योग में इसका उपयोग होता है। NaOH एक प्रकार का क्षार है। फिर H2O जो होता है वो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त की पीएच कितनी होती है, मतलब जो रक्त है, खून है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले एग्जाम में भी दे रखा है। तो रक्त की पीएच होती है भाई 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताजमहल के पत्थर के खराब होने का क्या कारण है। तो ताजमहल का जो पत्थर है उसके खराब होने का क्या कारण है। तो जो ताजमहल है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों के कारण काफ़ी प्रदूषण होने के कारण वहाँ पर जो वातावरण है उसमें SO2 NO2 या अन्य प्रदूषकों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण वहाँ पर जो बादल बनते हैं और जो बरसात होती है तो बरसात के अंदर जो पानी आता है वो अम्लीय प्रकृति का आता है, अम्ल बनकर आता है, जिस कारण वहाँ पर जो बरसात होती है उसकी pH कम हो जाती है और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अर्थात ताजमहल के संगमरमर के खराब होने के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है, जिसकी pH 5.6 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि वहाँ के पत्थरों के लिए या पेड़ पौधों के लिए तथा जो जल है, जल स्रोत है, उनके लिए भी क्या होती है, हानिकारक होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इतने थे। अब ये हो गया पिछले संडे को होने वाला टेस्ट, नेक्स्ट संडे को भी टेस्ट होगा, जिसके बारे में आपको हमारे जो फेसबुक चैनल है या जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप वापस नेक्स्ट संडे को ये टेस्ट जो होगा अगला वो दे सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस टॉपिक पर या किस लेसन के ऊपर वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो नोट्स और वीडियो दोनों ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। या कोई भी क्वेश्चंस है जो जनरल साइंस का हो गया, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे स्कूल लाइफ का हो, या जनरल नॉलेज, जनरल साइंस डेली रूटीन में काम आने वाले क्वेश्चंस हो, हर टाइप के साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।